नमस्ते, गुड मॉर्निंग ब्रह्माचार्य। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। अजय, आज है रिपब्लिक डे और देखो मैं रेडी हूँ हाँ जाने के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम है रिपब्लिक डे का। मेरी सोना भी रेडी है। रोज सोना, चलो मैं जा रही हूँ प्रोग्राम में, फिर आके बात करती हूँ क्योंकि मुझे लेट हो गया है। मैं जिम गई थी, जिम आके फटाफट रेडी हुई हूँ और 9 बजे का टाइम है, तो 9 बज गए हैं। ठीक है, आके बात करती हूँ, चलो बाय। के बाद ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रगान में जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे स्टेज पे आ जाएंगे और हमारे खड़े होकर, सब लोग खड़े होकर राष्ट्रगान गाएंगे। ठीक है, अगले 10 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। चेयरमैन श्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि आती है। एक बार मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि वियतनाम और अमेरिका का युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था वियतनाम के सामने। अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री थी और वियतनाम एक छोटा सा मुल्क था, इसके बावजूद भी वियतनाम के सामने अमेरिका को भागना पड़ा था। युद्ध समाप्त होने के बाद एक पत्रकार ने वियतनाम के राष्ट्रपति से पूछा कि आपने इतना शक्तिशाली राष्ट्र को हरा कैसे दिया, तो उनका जवाब था कि मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है और मैं हिंदुस्तान की बुक पढ़ रहा था, उसमें मैंने महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ी थी, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था और मैंने उनको अपना नायक मानकर ये युद्ध लड़ा था। कुछ दिनों के बाद, करीब 4-5 सालों के बाद, भारत सरकार से एक बुलावा गया उनको अपने देश में चीफ गेस्ट 26 जनवरी में बुलाने के लिए। तो वियतनाम के राष्ट्रपति आए तो हमारे यहाँ के ऑफिसर उनको लाल किला और आगरा का ताजमहल वगैरह दिखाए। जब शाम हो गया तो उन्होंने पूछा
कि आपने मुझे वो जगह नहीं दिखाया जो आदि कहाँ है। तो उन्होंने तुरंत पीएमओ ऑफिस फोन किया कि भाई वियतनाम के राष्ट्रपति तो ऐसा कह रहे हैं कि आपने मुझे महाराणा प्रताप का तो समाधि स्थल दिखाया ही नहीं। फिर इमीडिएट उनको दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुक किया गया और उनको उदयपुर ले जाया गया और वहाँ महाराणा प्रताप की समाधि दिखाई गई। जब वो महाराणा प्रताप की समाधि के पास पहुंचे तो उन्होंने वहाँ का मिट्टी उठाकर अपने बैग में रख लिया। जब वापस दिल्ली पहुंचे तो एक पत्रकार ने फिर उनसे पूछा कि ये मिट्टी आपने अपने बैग में क्यों रख लिया। तो बोला मैं ये मिट्टी इसलिए अपनी बैग में रख लिया हूँ कि ये मिट्टी ले जाकर मैं वियतनाम की मिट्टी में मिला देना चाहता हूँ ताकि मेरे यहाँ भी वैसे महापुरुष पैदा हों। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हम लोग आज तक नहीं जानते हैं, इतने बड़े हो गए फिर भी नहीं जानते हैं। ये प्रयास अगर इसी तरह होता रहेगा 26 जनवरी मनाने का, 15 अगस्त मनाने का, तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सारी कहानियाँ सुनने को जरूर मिलेगी। धन्यवाद। मेरे गला बहुत खराब है, ज़्यादा समय पे प्रोग्राम चल रहा था, अब फिनिश हुआ है प्रोग्राम और अब मैं जा रही हूँ घर पे और थोड़ी देर के बाद आती हूँ जब चालू होगी क्रिकेट। आज हमारी सोसाइटी में है टूर्नामेंट रखी हुई है, हमारी सोसाइटी में ग्राउंड भी है क्रिकेट का और टीम भी है, तो वो दिखाऊंगी मैं। थोड़ी देर घर पे जाके थोड़ा बहुत काम देख लूँ क्योंकि फटाफट जिम से आके रेडी होके तुरंत मैं प्रोग्राम में चली गई थी, तो अब घर में सब काम पड़ा है, वो काम पहले देख लूँ उसके बाद। ठीक है, चलो थोड़ा सा एनर्जी क्योंकि सुबह से जिम जाके आई हूँ और आके सीधा रेडी होके प्रोग्राम में चली गई थी, तो सिर्फ चाय पिए, कुछ नहीं खाया। और वहाँ पे भी मतलब मिल रहा था नाश्ता, मिल रहा था समोसे और था चाय समोसे, पर समोसे मैं नहीं खाती थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो घर पर आके ये और इसके बाद अब तुरंत थोड़ा बहुत घर का काम निपटा के, प्रियांशु अभी सोया है तो उसको उठा के उसको ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं फिर से निकलती हूँ क्रिकेट देखने। चलो